भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते अजमेर जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की ओर से आम जनता से अपील की जा रही है कि वह अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करवाएं, जिससे कि आगामी दिनों में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसे लेकर अजमेर के कलेक्टरेट स्थित अटल सेवा केंद्र में शिविर भी लगाया गया। यहां पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक किया जा रहा है। इसे लेकर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है और अलग अलग माध्यम से घर बैठे भी सभी अपना वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक कर सकते हैं। इस विषय में एडीएम प्रशासन कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस व्यवस्था को लेकर ऑनलाइन कार्य तेज कर दिया गया है और आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदाता जो कि वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं, उनको अपने आधार नंबर को वोटर आईडी से लिंक करवाने के लिए आधार नंबर उपलब्ध करवाना है। आधार नंबर उपलब्ध करवाने के लिए फॉर्म 6B का प्रोविज़न किया गया है। ये फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है और BLO के माध्यम से भी भरा जा सकता है, लेकिन जोर ऑनलाइन भरने पर है, ताकि मतदाता स्वयं अपने आधार नंबर को वोटर आईडी से लिंक कर सके। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप बना हुआ है, उसका उपयोग किया जा सकता है। मतदाता स्वयं इस VHA के माध्यम से अपने आधार नंबर देकर उसको लिंक करवा सकता है। NVSP पोर्टल के माध्यम से भी इसको किया जा सकता है। इसके माध्यम से ऑनलाइन जो है वोटर आईडी से आधार नंबर को लिंक किया जा सकता है। और अगर नेटवर्क आदि की कोई समस्या हो, उस समय जो BLO हैं, संबंधित BLO, उनको ऑफलाइन 6B के माध्यम से भी दिया जा सकता है, लेकिन प्रयास ये हो कि ऑनलाइन ही इसको किया जाए। और इसके लिए आज अपने राजीव गांधी सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट में ऑनलाइन आधार कार्ड लिंकेज के लिए कैंप का भी आयोजन किया गया है। यहाँ आकर के कोई भी मतदाता अपने आधार नंबर से वोटर आईडी को लिंक करने के लिए हेल्प ले सकता है। यहाँ यदि उनको प्रोसेस में कोई दिक्कत है तो प्रोसेस भी समझाया जाएगा। NVSP के माध्यम से ऑनलाइन यदि वह लिंकेज करना चाहता है तो भी उसकी हेल्प की जाएगी। मेरा सभी मतदाताओं से ये निवेदन है कि वे अपना आधार नंबर अवश्य उपलब्ध करवाएं और प्राथमिकता ऑनलाइन को दें, जिससे कि वो वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या NVSP पोर्टल के माध्यम से अपना आधार नंबर उपलब्ध करवा सकते हैं। यह स्वैच्छिक है और सभी को इसे उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि जो भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि सभी मतदाताओं के आधार को वोटर आईडी से जोड़ा जा सके, उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। और साथ ही जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो डेटा रखा जाएगा, उसमें आधार नंबर के जो अंक हैं उनको कैप लगा करके रखा जाएगा, ताकि कोई भी इनका किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं कर सके।